Hello student, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and student, आज का जो हमारा topic है वो है nutrition in human being, okay? तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो part है इसके जितने भी हमारे organs हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है? जो कि digestive system को support करते हैं, उसके बाद हम इसमें ए बैक टू बैक आगे के जितने भी पैराग्राफ टॉपिक्स होंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे, ओके? तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है और ये डायग्राम किसका है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? तो ये हमारे बॉडी के पार्ट्स है जो कि इंटरनल पार्ट्स है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने माउथ की तरफ कि यहाँ से हमारा जो फूड है वो एंटर होता है और ये किसका पार्ट है, बकल कैविटी का। नेक्स्ट है हमारा फायरनेक्स, ठीक है? और थर्ड है हमारा फूड पाइप, ठीक है? और इसी के जस्ट आगे हमारा रहता है विंड पाइप, ठीक है? फिर हमारा लीवर, स्टमक जिसका शेप कैसा दिखता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे की तरह, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है? अब इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें, वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फूड पाइप इज़ ऑन बैक साइड एंड विंड पाइप इज़ ऑन फ्रंट साइड। तो फूड पाइप कहाँ होता है, हमारे पीछे की साइड होता है, और विंड पाइप जो होता है हमारा कहाँ होता है, हमारे आगे की तरफ। इसलिए बोलते हैं कि जब हम लेट के या गलत पोजीशन में पानी नहीं पीना चाहिए। कई बार जब हम ऐसा पानी पीते या खाना खाते तो गले में अटक जाता है। अटकता क्यों है, क्योंकि वो विंड पाइप में जाने की कोशिश करता है जिस कारण वहाँ से वो बाहर की तरफ आ जाता है। क्योंकि अगर अंदर चला जाएगा और लंग्स की तरफ चला जाएगा तो उससे लंग्स को हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिस कारण हमारे को खांसी आ जाती है और बहुत तेज़ी से खांसी आती है, वो अटका हुआ चीज़ जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है? दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, दूसरा इम्पॉर्टेंट है, एक देखिए यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पर लिखा है मैंने लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अगर हम बात करें साइज़ वाइज, तो साइज़ में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है। तो फिर क्यों बोलते हैं इसको कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके स्ट्रक्चर के कारण। ये दिखने में जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये पतली होती है, थिन होती है ये, ठीक है, ज़्यादा थिन होती है, यहाँ पर उल्टा लिखा है, ये थिन होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, थिक होती है। तो जिस कारण क्या होता है, इसको नाम दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन का और इसको किसका नाम दिया गया है, थिन इंटेस्टाइन का, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड में। तो ये जो पूरा पाथ रहता है माउथ टू हमारा कहाँ तक, एनस तक का पाथ, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल इज़ द एंटायर पाथ ऑफ फूड, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है? और इस पूरे पाथ की जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है, 9 मीटर। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट स्टिल इट इज़ कॉल्ड स्मॉल। क्यों कहा जाता है इसको स्मॉल फिर भी, क्योंकि इसका जो शेप होता है, ये दिखने में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, थिन होती है ये। और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये देखिए मोटा कॉइल सा होता है, जिस कारण इसको लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया गया है। यहाँ पर छोटा सा मैंने लिखा भी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटर देन किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। समझ में आया आपको? तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप इसको इजीली आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? चले आगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है? और ये फूड पाइप जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा पढ़ेंगे हम एक्सपेंशन, ठीक है? और ये जो पूरी मूवमेंट है इसको नाम दिया गया है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट का,
ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, ये हमने फूड लिया है इसको। तो द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप एंड अदर ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू मूव द फूड अलोंग गट। गट माने व्हिच इज एलिमेंट्री कैन, ठीक है, इसी को ही गट कहते हैं, इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जब देखो खाना जा रहा होगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये जो फूड पाइप सिकुड़ रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब ये आगे की तरफ जाता जाएगा, क्योंकि ये धकेलने का काम करता है, अगर ये सीधा ही रहे तो धकेलेगा कौन खाने को आगे, फिर ये जब आगे हो जाता है तो पिछली जो स्थिति हो जाती है वो वापस, जब ये खुलता है, ये खुलना है इसका, तो ये जो है ये क्या है, वापस जो खुली हुई स्थिति है ये होता है एक्सपेंशन। तो जिस तरह से पीछे से देखिए थोड़ा आगे आया, फिर यहाँ पीछे वैसे स्थिति में आ गया, फिर ये आगे गया, फिर वो फिर और आगे गया, तो पीछे की जो सेम स्थिति है जैसे फूड पाइप पहले था वो बाद में भी वैसे ही हो गया, और इस तरह से ये खाना खिसकते खिसकते कहाँ चला जाएगा, हमारे स्टमक में, ठीक है। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझ में आया आपको, बड़े आगे। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्पिंक्टर। तो स्पिंक्टर होता क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। स्पिंक्टर आर सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू दम, ठीक है। तो क्या होता है कि जब फूड पाइप से नीचे आता है, ये जो फूड पाइप से नीचे आता है, तो इसका मूवमेंट जो है वो धीरे 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 होता है, और जनरली ये जो स्पिंक्टर्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं। जैसे एक मेन स्पिंक्टर जो है वो हमारे फूड पाइप और स्टमक के बीच में रहता है, ताकि जो हम खा रहे हैं वो बाहर वापस ना आ जाए। दूसरा जो है, बहुत सारे होते हैं वैसे, और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा स्पिंक्टर होता है वो होता है हमारे एनस एरिया में, ठीक है, जो कि जो भी हमने खाया है वो तुरंत ही बॉडी से बाहर ना चला जाए। तो नॉर्मली हम कैसे इसको लिख सकते हैं, नॉर्मली दे रिमेन क्लोज्ड व्हेन मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, दे ओपन, देर आर मैन स्पिंक्टर इन आवर बॉडी और गट एलिमेंट्री कैनाल। तो जनरली क्या होता है बोलते, जो स्पिंक्टर होते हैं वो क्लोज रहते हैं, और जब मूवमेंट शुरू हो जाती है, कोई खाना अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, तो उस समय ये खुल जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी में बहुत सारे स्पिंक्टर होते हैं। तो ये वाला आपको टॉपिक समझ में आया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने स्पिंक्टर के बारे में पढ़ा, उसका फंक्शन पढ़ा, उसके अलावा हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ फूड, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में, कि किस तरह से हमारा जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है, और वो जो मूवमेंट होती है कौन सी मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू किस तरह से हमारा खाना जो है वो स्टमक तक पहुंचता है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ज़रूरी चीज़ें पढ़ी, क्या ज़रूरी चीज़ें पढ़ी, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, कि एनिमल एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारा एंटायर पाथ कहाँ से माउथ टू एनस, और इसका लेंथ कितना होता है 9 मीटर, इसके बारे में। उसके बाद हमने लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ग्रेटर होती है, बड़ी होती है। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसका साइज़ भी लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 6.5 मीटर होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है केवल कितना होता है 1.5 मीटर। तो ये आपने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली है। उसके बाद एक चीज़ और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो एक एडल्ट की फुल बॉडी होती है, एडल्ट की फुल बॉडी, बॉडी जो लेंथ होती है, फुल बॉडी लेंथ वो कितनी होती है 2 मीटर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली एक एडल्ट
एडल्ट वाला 20, 21, 22, मतलब ये समझ सकते हो आप, उसकी जब तक 20 तक बोलते हैं ना, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, जितनी हाइट बढ़नी होती है 20 तक ही बढ़ती है, ठीक है। तो उसके बाद जो 25 to 30 तक जो एक पूरा एडल्ट हो चुका होता है, उसकी जो पूरी बॉडी की लेंथ होती है वो सिर्फ 2 मीटर होती है। और यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल कितनी मीटर होती है, 9 मीटर होती है, तो अंदर एक इस तरह से रहती होगी, आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इसको पढ़ने से पहले हमने इसके पूरे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि जो फूड है वो कहाँ कहाँ से ट्रैवल करेगा, और कहाँ कहाँ से वो ट्रैवल करेगा, और किन किन स्थिति में ट्रैवल करेगा, और उसके हर पार्ट में जाकर उसको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, और कौन कौन से जूस क्रिएट्स होंगे, फिर किस तरह से डाइजेशन होगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया है, आप अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बने रहिए प्राची फाउंडेशन के साथ, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।